सर बोलने वाला हूँ नहीं, तो कोई नहीं, आप अपना टेंशन जहाँ रखना है रख लो। माँ सरस्वती का सर्वप्रथम अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और यहाँ पे जितने भी IAG के मजदूर और ये ठेकेदार वगैरह हैं, मजदूर ठेकेदार जितने भी वरिष्ठ कर्मचारी हैं, सबका मैं अभिनंदन करता हूं। ना ख्वाबों में जीता हूं, ना ख्वाबों में जीता हूं, ना कोई अरमान देखता हूं। मिलती है मेरे दिल को खुशी जब आप सबके चेहरे पे हंसी और मुस्कान देखता हूं, मुस्कान देखता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शुरू करता हूं कुछ पंक्तियां। चार नंबर। आजकल के जो आजकल एक्चुअली क्या है, मार्केट में प्रेमी बहुत बढ़ते जा रहे हैं, अब उनके लिए है कुछ। बाहों में है और कोई, चाहों में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए। एक से लड़ाए नैन, दूसरी का छीना चैन, तीसरी को शादी की जुबान दे के आ गए। आजकल के मजनू तो खुद नहीं जानते कि कहां कहां प्रेम के निशान दे के आ गए। जिन लिफाफों में कभी प्रेम पत्र भेजाते रहते थे, उन्हीं लिफाफों में कन्यादान दे के आ गए। मैं ज्यादा इस बार ज्यादा लंबी कविता नहीं रखा हूं, चार चार लाइनों में ही आपको मैं सुनाऊंगा। हमारे देश में जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं उस पर कुछ आधारित है। अभी यूपी में योगी सरकार ने कुछ नए नए रूल्स लाए हैं, तो उस पर एक पल में जाने कितनों की नींद उड़ गई, राह जाने किचनों की पल में मुड़ गई। यूपी में एंटी रोमियो लागू हुआ जब से, अखिलेश व राहुल की जोड़ी बिछड़ गई, अखिलेश राहुल की जोड़ी बिछड़ गई। और हमारे दिल्ली में भी पटाखों पे बैन लगा दिया गया। कैसा नशा है जो उतरता ही नहीं है, दिल अब तो संभाले से संभलता ही नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना लाइनों को। कैसा नशा है ये जो उतरता ही नहीं है, दिल अब तो संभाले से संभलता ही नहीं है। दिल्ली में पटाखों पे बैन जब से लग गया, महबूब मेरा घर से निकलता ही नहीं है, महबूब मेरा घर से निकलता ही नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लग रहा है समझ में नहीं आएगा। अब देखो GST पे भी कुछ लोगों के सबके अपने अपने सोचने का तरीका है, मैं अपने तरीके से कुछ बोलना चाह रहा हूं। भरी महफिल में हाथ आज उसका चूम लेने दो, इन मस्त बहारों को जरा धूम लेने दो। पेट्रोल और शराब पे GST नहीं है, थोड़ा घूम लेने दो, थोड़ा झूम लेने दो, थोड़ा। आजकल थोड़ा NIT भी कंसंट्रेट हो गई है कि थोड़ा वहां पे कंपनी में थोड़ा माहौल को 50-50 किया जाए, गर्ल्स और बॉयज को। उसके पीछे का क्या साजिश है वो मैं बता रहा हूं। Oh
महफिल में कभी सिसकियां अच्छी नहीं लगती, हर वक्त सनम हिचकियां अच्छी नहीं लगती। ओडीसी में जब से यार अपना इश्क चला है, उस दिन से मुझको छुट्टियां अच्छी नहीं लगती। जय। अब आप सबकी तरफ से कुछ बात रखना चाह रहा हूं। यहां पर जितने भी हैं, मैं तो यहां वैसे इस कंपनी में 3 साल से हूं, और पिछले 3 सालों का दर्द मैं आप सबकी तरफ से आप सबके सामने रखना चाह रहा हूं। अगर आपको लगे कि आपकी मैंने बात कर दी है तो मेरा समर्थन कीजिएगा। पल पल तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा, तेरे ख्याल में हमेशा खोया रहूंगा। कितनी भी बेवफाई कर ले ऐ मेरे वीसी, कितनी भी बेवफाई कर ले ऐ मेरे वीसी, सैलरी से ज्यादा प्यार तुझे करता रहूंगा। अब क्या है, लोग प्यार का इजहार जो करते हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं। कुछ तरीकों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई, मैं रांझा बना वो तो मेरी हीर हो गई। खत मैंने इतने प्यार के इजहार में लिखे, वो रद्दी बेच बेच के अमीर हो गई। और यही प्यार अगर किसान को हो जाता है तो उसका अंदाज मैं सुनाना चाहता हूं। पहले तो जा रही थी जिंदगी ये सेत में, मैं हल चलाता फिर रहा था सूखी रेत में। जब से हुआ है प्यार लग रहा है इस तरह, तुम बन के भैंस घुस गई हो दिल के खेत में। अब सबकी बारे में बात कर रहा हूं तो डेवलपर की बात करूं तो करनी पड़ेगी, लेकिन सच ये है ये कि टाइम नहीं है डेवलपर के पास। बहुत टीम अच्छी से जानती है। कोड लिखते लिखते मेरी उंगली घिस गई, लेट सिटिंग करने की आदत सी हो गई। मुश्किल से बचा उस दिन मैं तो मरते मरते, जिस दिन सुना ये स्टोरी स्कोप में नहीं। बोलो सच्चे दरबार की जय। दरबार की जय। चीयर्स। और आजकल सारे जितने भी अवार्ड हैं ज्यादातर महिलाएं जीत रही हैं। महिलाएं बहुत ज्यादा आजकल प्रोग्रेस कर रही हैं, तो इसको देखते हुए एक बार केजरीवाल जी का बयान आया कि मैं भी महिला बनना चाहता था, मैं भी महिला ही बनना चाहता था, मोदी जी ने बनने नहीं दिया। ऐसे ही पिछले कुछ दिनों पहले एक तूफान आया था, मोदी केजरीवाल जी पेड़ से चिपक गए। जैसे ही तूफान खत्म हुआ, करे आज मैं नहीं होता तो सारा पेड़ उड़ गया होता। तो अन्ना जी ने अनशन किया, बहुत कुछ किया। एक बंदे ने उनसे पूछा कि आपने इतना अनशन किया, क्यों किया आपने, इसका क्या मिला आपको? तो अन्ना जी का जो दर्द है उन्होंने जो बताया उसको मैं बता रहा हूं। खाली पीली 18 दिन खाना नहीं दिया रे, भोले भोले अन्ना का मिस यूज किया रे। झाड़ू और मफलर ने सरकार बनाई, धर में धर धर के चाट गए मलाई। अनशन मैंने किए, पेंशन मैंने लिए, प्रवचन मैंने दिया, सत्ता लगी उनके हाथ। गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी बात।
और एक मेरी कविता, पुरानी कविता है, उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। मिलन जी बहुत पसंद करते हैं उसको। आज के टाइम का जो भागम भाग है उसके ऊपर जो कविता है, शायद कुछ लोगों ने सुन भी रखी होगी। सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, बस छूटने से घबराता हूँ, ब्रेकफास्ट बना के रखती माँ बिन खाए ही चलाता हूँ, भाग भाग कर ऊब गया हूँ, भाग भाग कर ऊब गया हूँ, सुबह की बस की बोर्डिंग में उम्र बीत गई कोडिंग में, उम्र बीत गई कोडिंग में, जब लिखने से ना कोड चले डीबगिंग से जाके राज खुले, कई बार करेक्शन करता हूँ तब जाके कुछ दाल काम बने, उंगली हम सब की दुख गई इस फाइल के अपलोडिंग में, उम्र बीत गई कोडिंग में, उम्र बीत गई कोडिंग में। और एक ये भी है कि जब कोडर और टेस्टर भी कभी आपस में बनती नहीं है, और उसके बाद कितना भी अच्छा काम करे फिर भी टेस्टर की नाक चढ़े, बक्के अंबार है लग जाते कोडर की तनिक एक नदाल गले, दिमाग भी अपना बैठ गया इतनी लंबी बग सॉल्विंग में, उम्र बीत गई कोडिंग में, उम्र बीत गई कोडिंग में। तो फिर मैंने कुछ सांत्वना अपने को देने के लिए जो लाइन लिखी है, ऐ राका क्यों घबराता है समय तो आता जाता है, ऐ राका क्यों घबराता है समय तो आता जाता है, कल तू मैनेजर बन जाएगा संकट का बादल टल जाएगा, बस लेक्चर देना सीख ले तू, बस लेक्चर देना सीख ले तू, इस रोल चेंज के रोलिंग में उम्र बीत गई कोडिंग में, उम्र बीत गई कोडिंग में। अंत में कहना चाहता हूं मैं, समय कम का भाव दिख रहा है, दर्द ना देता हूं न सह पाता हूं, दर्द ना देता हूं न सह पाता हूं, गुमसुम देख कर किसी को न रह पाता हूं, अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने के खातिर, आप सबके चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने के खातिर अपनी कलम की आवाज आप तक पहुंचाता हूं, अपनी कलम की आवाज आप तक पहुंचाता हूं। इसी शब्दों के साथ मैं विराम देना चाहता हूं, धन्यवाद।